हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब। आज हम बनाएंगे कॉर्न के भजिए, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बरसात के दिनों में इन्हें गरम गरम खाया जाए तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए कॉर्न भुट्टे, जो कि हम देसी भुट्टे लेंगे। देसी भुट्टे के भजिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अमेरिकन भुट्टों के भजिए इतने टेस्टी नहीं बनते हैं जितने ज़्यादा अच्छे देसी भुट्टों के बनते हैं। देखिए, हम देसी भुट्टे 1 किलो हमने देसी भुट्टे लिए हैं। अब इसे हम धो लेंगे, वॉश करके हम इसके दाने निकाल लेंगे, जैसे कि भुट्टे के दाने निकाले जाते हैं। देखिए, थोड़े देसी भुट्टे थोड़े कड़क होते हैं, इस वजह से हमें दाने निकालने में थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट इसे किसनी में कीस सकते हैं। पर आज हमने इसे भुट्टे के दाने निकालने का वो होता है, उसकी हेल्प से दाने निकाले हैं। हम भुट्टे के दाने मैंने कीस लिए हैं। दाने बहुत ज़्यादा कड़क थे, इस वजह से थोड़ा सा पानी डाल कर कीसा है। और अब हम उसके अंदर बेसन मिलाएंगे। ये बेसन को अच्छी तरह से मिला देंगे और भुट्टे के दाने। अब हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक, और स्वाद अनुसार आपको आप जैसा नमक खाते हैं उस हिसाब से। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे कूटा हुआ, हम उसको इमाम दस्ते में कूट लेंगे। ये देखिए, हमने डाल दिया, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है भजियों का। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कहीं भी ऐसा ना रहे कि कहीं बहुत ज़्यादा मसाला और कहीं कम, इस वजह से हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें ग्रीन चिली कटी हुई डालेंगे या हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज़ की प्याज जो कि बारीक काट लेंगे हम उसको, और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पूरे पेस्ट में प्याज हरी मिर्च वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए बिल्कुल पर नीचे। अब हम इसमें डालेंगे, ये है जिंजर गार्लिक, और 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और 1 हरी मिर्च का पेस्ट, और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। इससे पिसी भी प्याज डालने से भजिए हमारे नरम और सॉफ्ट बनेंगे, इसलिए हमने प्याज पीस के डाला है इसके। और थोड़ी सी तीखेपन के लिए हमने उसमें हरी मिर्च पीस के डाली है, ताकि उसमें हरी मिर्च का टेस्ट आए, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। कटा हुआ बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, जो कि हमने पहले से काट रखा है, अब हम इस पेस्ट के अंदर मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम हरा धनिया पेस्ट के अंदर। ये हमारा पेस्ट तैयार है भजिए बनाने के लिए। अब हम 1 कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, पहले तेल को टेस्ट करेंगे कि हाँ ये गरम हो चुका है या नहीं। ये देखिए, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम उसमें भजिए डाल रहे हैं, धीरे धीरे थोड़े थोड़े भजिए डालिए, ताकि आपके हाथ पर गरम तेल का छींटा ना उड़े। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मकई बहुत हैवी होती है तो वो एकदम से नीचे बैठ जाता है। देखिए, ये हमारे भजिए एक तरफ से गोल्डन गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे पलटेंगे, तरफ से भी इस तरह से लाइट गोल्डन होने देंगे हमारे भजिए, और फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, अब हमने इसे ये सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप इसे ग्रीन चिली सॉस, टमाटो सॉस और नींबू और जीरावन पाउडर के साथ सर्व कर सकते हैं। इस पर नींबू, टमाटर सॉस, थोड़ा सा ग्रीन सॉस और थोड़ा सा जीरावन पाउडर डालकर खाइए, बहुत टेस्टी लगेंगे। देखिए, ये इस तरह से आप स्टिक में भी लगा कर इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।